जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 120 हर्ट्ज का पैनल और स्नैपड्रैगन 750Z महज 11,000 रुपये में ऑफर में आपको देखने को मिल रहे हैं। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज पे ऑफर चल रहा है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कौन सा स्मार्टफोन है, इसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी, आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो हमें कौन से कार्ड अप्लाई करेंगे, कैसे हम इसे परचेज कर सकते हैं। इन टोटल आज के इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारी जानकारी देने वाला हूँ इस फोन से रिगार्डिंग, तो बस वीडियो में इन तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए मैं आपसे फोन क्लियर कर देता हूँ यार कौन सा स्मार्टफोन है। तो दोस्तों देखिए, 8 मार्च को जो है सैमसंग ने इंडियन मार्केट में इसी साल लॉन्च करा था सैमसंग गैलेक्सी F23 5G को। अब वो स्मार्टफोन जो हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे 11,000 रुपए में। चलिए पहले कुछ मैं आपसे हाईलाइटेड स्पेक्स इसके बात करता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको एक 120 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलता है, हाँ यहाँ पे एमोलेड पैनल नहीं है, LCD पैनल है, बट हाँ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ में आने वाला देखने को मिलता है। सामने की तरफ वाटर ड्रॉप है जो कि 8 मेगापिक्सल के साथ में आता है, चलो ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेंगे इस प्राइस पे। अब यहाँ पे बैक की तरफ जो 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, 5000mAh की बैटरी है जो कि 25 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आएगा, बट यहाँ पे ग्लिच ये है कि यहाँ पे कुछ 25 वाट का चार्जर है बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है, एंड यहाँ पे कुछ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि भाई एक बहुत ही पावरफुल चिपसेट है, मतलब इसे कंपनियां यूज करती थी 20,000 के प्राइस सेगमेंट में, और यहाँ पे हमें 11,000 रुपए में देखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि हम स्मार्टफोन को कब से और कैसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 8 मार्च को इंडियन मार्केट में, तब इसकी प्राइसिंग रखी हुई थी 4+128 के लिए 17,500 रुपए, और वहाँ पे हमें 2500 का डिस्काउंट देखने को मिला था। उसके बाद इस फोन की ऑफर लगाकर 15,000 में बेच रही थी कंपनी, बट अभी मतलब हद ही हो गया है। अभी आप इस पे देखने जाओगे तो सेल प्राइस यहाँ पे बता रहा है 12,500 रुपये 4+128 के लिए। और अगर आपके पास यहाँ पे कार्ड्स है और आप उसे अप्लाई करते हो ICICI का, तो वहाँ पे आपको 1548 रुपये और डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। ICICI का सिर्फ आपको कार्ड अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, कार्ड लगाओगे और वहाँ पे 1548 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद जो इसकी प्राइस है वो निकल कर आ जाती है 10,951 रुपये, प्लस यहाँ पे 29 रुपीज आपसे चार्ज किए जाएंगे सिर्फ पैकेजिंग का। फ्लिपकार्ट ने नया शुरू करा है, पता नहीं पैसा कमाने का नया तरीका है, जिसके बाद जो इसकी एक्चुअल इफेक्टिव प्राइस है फाइनल प्राइस वो बन जाती है 10,980 रुपये। मैंने 11,000 बोला, यहाँ पे 20 रुपये बच रहे हैं, 20 रुपये में हम दो डेरी मिल्क ले सकते हैं 10 रुपये वाला, तो 10,980 रुपये में आपको देखने को मिलते हैं इतने तगड़े स्मार्टफोन। तो अब बात आती है क्या हमें स्मार्टफोन को लेना चाहिए। तो देखिए इसको जो एक्चुअल प्राइस है 14,000, 15,000, इवन 12,000 में मैं रिकमेंड मतलब सैमसंग का ही चाहिए तो आप ले सकते हैं, बट अभी जो प्राइस निकल कर है 11,000 रुपये, और 11,000 में आप ले सकते हो तो भाई जस्ट पकड़ लो इस स्मार्टफोन को, बहुत ही तगड़ी डील है, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए तब भी पकड़ो, सैमसंग का स्मार्टफोन नहीं चाहिए तब भी पकड़ो, 11,000 में से बेस्ट स्मार्टफोन आई डोंट थिंक सो कि इंडियन मार्केट में करंटली कोई अवेलेबल है, तो बस जाकर पकड़ लो, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F23 5G के सेल्स रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ जाइए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नए वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय।